नमस्ते साहब जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम। ओके नमस्ते। मैडम। हाँ मैं लेता हूँ, दीजिए। नहीं ठीक है, मैं लेता हूँ ना। ए, क्या है तुझे? किसने कहा बैग लेने को? साहब बैग रूम तक लेके जाता हूँ मैं। अरे छोड़, हम हमारा देखेंगे, तू अपना काम कर। आने के लिए मना किया तो कौन से गाड़ी में बैठूं? हमारा सामान है, हम हमारा देखेंगे। और तू क्या देख रही है? एक घूंघट हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। ये शहर है, यहाँ मेरी इज्जत मत गवा। नहीं। नीचे ले। और तू तू अपना काम कर, बड़ाया बैग लेने वाला। ए चल तू। हाँ। जल्दी जल्दी चल। जी आ रही हूँ। और तुझे कितनी बार बताया हमेशा घूंघट लेना? ये शहर है, यहाँ के लोगों पर कभी भरोसा मत करना। देखा ना तूने वॉचमैन तुम्हारी तरफ कैसे देख रहा था? हाँ जी, मैंने पल्लू ले लिया था पर वो गाड़ी से आते समय गिर गया। तुझे समझ में नहीं आया फिर से घूंघट लेना? घूंघट लो। हाँ। और चलो चुपचाप, जल्दी चलो। चलो हमारे नए घर में हम प्रवेश करते हैं, ये पकड़ो। अच्छा है ना घर? हाँ बहुत ही अच्छा है। सविता पानी दो जरा। हाँ ये लीजिए। बैठो। सफर अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा। पानी लो। आप लीजिए ना। नहीं तुम लो। दो घंटे का सफर रहा लेकिन तुम्हारे साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हम जूस पीने रुके थे ना तो अच्छा लगा। मुझे भी। सुनो सविता। हम्म। हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर की महिलाएं कहीं भी जाए तो भी घूंघट नहीं हटाती, ये तुम याद रखो। शहर के लोगों पर भरोसा मत करना। तुमने देखा ना वॉचमैन तुम्हारी तरफ कैसे देख रहा था? तुम्हें बताता हूँ, हमारे सोसाइटी के लोग अच्छे नहीं है, इसलिए हमेशा घूंघट ओढ़ के रखना। हाँ। देखो तुम हमेशा घर पे ही रहना, जो चाहे वो करना, खाना पीना ऐश करना, नई नई साड़ियां लेना, लेकिन घर के बाहर नहीं जाना और घर का दरवाजा हमेशा बंद रखना। और हाँ पड़ोसियों के साथ दोस्ती मत करना, नहीं तो आज ही जाओगी और दोस्ती कर लोगी। समझ में आया? हाँ। और घर का दरवाजा हमेशा बंद रखना। ठीक है। ठीक है मैं फ्रेश होता हूँ। हे भगवान, बाकी के कामों में वक्त कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। अभी ये नहा के आएंगे तो उनको तुरंत चाय लगती है, या तो मैं बहुत मार खाऊंगी या फिर वो मुझे बहुत सुनाएंगे। चाय बनाती हूँ। धूप तो फट गया यार, अब क्या करूं मैं? ये तो नहा के आ जाएंगे, दूध भी फट गया, चाय नहीं मिली तो मुझे ही डांटेंगे।
नीचे वॉचमैन को जाके बोलती हूँ दूध लाने के लिए। चमारी पेन किधर गया? अरे यहाँ पे है क्या? लगा लू जब लिपस्टिक, ही ले लू सारा डिस्टिक, लगा लू जब लिपस्टिक। वॉचमैन, वॉचमैन भैया, वो दुकान से दूध लाना था। अरे फिर भैया क्यों बोल रही हो? दूध लाना है ना, दो ना, फिर मैं लाता हूँ ना। फिर मैं काय के लिए हूँ? मैं वीच काम के लिए हूँ ना, और क्या चाहिए? नहीं, सिर्फ दूध ही लाना था। अच्छा, और दूध लाने के बाद दूध ऊपर लाके दो। हाँ लाता हूँ ना। बोलिए ना, और कुछ खाना भी ना हुआ क्या? हाँ, अभी घर जाने के बाद करूंगी। अभी नहीं खाना हुआ क्या? मैडम खुद पे जरा ध्यान रखिए, खाना पीना खाते जाइए। हाँ हाँ रखती हूँ। अच्छा मैडम जी, एक बात पूछूं क्या आपसे? हाँ पूछिए। मतलब आपके चेहरे पे कुछ हुआ है क्या? महारोग हुआ है क्या आपको? नहीं तो। फिर पिंपल्स विंपल्स आए है क्या? नहीं। फिर इतना खूबसूरत चेहरा क्या इसे पल्लू के नीचे छुपाने के लिए होता है क्या? ऐसे खुल के दिखाने के लिए होता है ना? नहीं नहीं, मेरे पति ने कहा है पराए मर्द के सामने घूंघट लेके ही जाना। तेरे पति की तो ऐसी की तैसी। पति का तुम्हारे क्या, वो तो अब घर पर है। नहीं नहीं, तुम दुकान जाके दूध लाके दो। क्या मैडम, दिखाओ ना चेहरा, उसे क्या सोना लगा है क्या? क्या मैडम, स्त्रियों की खूबसूरती ऐसे पल्लू के नीचे छुपाने के लिए होती है क्या? स्त्रियों की खूबसूरती तो ऐसे पूरे दुनिया को दिखनी चाहिए ना। और एक बात मैडम जी, अगर आपने आपका चेहरा मुझे दिखाया नहीं तो मैं बाद में आपको पहचानूंगा कैसे? और मैं दूध किसका लाने गया था, और बाद में आपने मुझे कुछ काम बताया, तो मैं कैसे पक्का करूं कि आप वही हो? और फिर तुम क्या वो आतंकवादी वितंकवादी बनके तो नहीं आए अगर बाबा? नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ ऊपर ही रहते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, वॉचमैन को अधिकार है सभी के चेहरे देखने का, नहीं तो फिर वॉचमैन की ड्यूटी का कोई मतलब ही नहीं ना। अब तो मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। नहीं ठीक है, पर उनको मत बताना कि मैंने अपना चेहरा आपको दिखाया। उनका क्या संबंध, उनको कौन बताने वाला है, दिखाइए ना। वाह, कितनी ब्यूटीफुल हो आप। और आपके पति को कुछ अकल है भी या नहीं, इतना प्यारा चेहरा दुनिया से छुपाता है। आप मुझे कुछ भी काम बताइए, मैं सब काम करता हूँ। हाँ हाँ, फिलहाल तो दूध ही लाइए। अच्छा जाइए, फिर जाता हूँ ना। जाइए, आओ आइला। हे भगवान, जल्दी जल्दी नाश्ता टिफिन होना चाहिए, वरना आने के बाद वापस डांट पड़ेगी। दूध का पतीला, कितनी अच्छी दिखती है ना मैडम जी। उनका चेहरा देखा तो ऐसे लगा जैसे स्वर्ग से अप्सरा नीचे आई हो। अगर बाबो, आज दूध लाने के बहाने कम से कम उनका चेहरा तो देखने को मिला। वाह वाह वाह,
आह क्या खुशबू आ रही है मैडम के हाथ की। हाथ की? हाथ की नहीं, पूरे मैडम के बदन की खुशबू लेने वाला हूँ। आज दूध लाने के बहाने मैडम जी से परिचय हुआ, कल और घर का कुछ काम बताएगी और उसके बाद फिर कुछ और। चलो जल्दी दूध ला कर देता हूँ। मतलब कैसे, और एक बार मैडम के दर्शन होंगे और एक बार बातें होंगी। चलो अब दूध देने के बहाने और एक बार मैडम के हाथ को टच करूंगा। सविता हाँ? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता रेडी है क्या? हाँ अभी बनाती हूँ। मैडम मैं आया दूध लेके। मैडम चलो दरवाजा खोलिए ना मैडम। ढीचू ए कहा? वो बेल बजी। तुम्हें कितनी बार कहा है दरवाजा खोलने मत जाना, और ऐसे ही बिना घूंघट के जाने वाली थी क्या तुम? घूंघट लो। हाँ। मैडम कब आती है और कब मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ ऐसा हुआ है मुझे। आ गई। सदाशिव तुम? मैडम कहाँ है? ए अंदर क्या है? हाँ मैडम को ये दूध देना था। ए हमें दूध दूध नहीं चाहिए, तू जा निकल, चल जा। हाँ लेकिन मैडम ने मुझे बोला था दूध लाने के लिए। मैडम ए तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, जा यहाँ से जा। गलतफहमी कुछ भी नहीं है, मैडम ने मुझे बोला था दूध लाने के लिए। ये देखिए ये बचे हुए पैसे, मैडम नीचे आई थी और मुझे दूध लाने के लिए बोला था। कहाँ पे है मैडम? तेरा अंदर क्या काम है रे? मैडम नीचे आई थी? नीचे? हाँ नीचे आई थी और पैसे देकर मुझे दूध लाने के लिए बोला था। तू जा जा। मैडम को बताइए ना वो मैंने दूध लाया है करके। मैं बोल दूंगा, तू जा। मैडम और कोई काम हो तो बोल दीजिएगा। अरे जाना। जाता हूँ। चल सविता ये क्या है? वो मैंने दूध लाने के लिए बोला था। किसको कहा था लाने के लिए? मैं गई थी नीचे। तुझे कितनी बार कहा है बिना घूंघट के नीचे मत जाना? वो घूंघट। चुप। मतलब तू नीचे गई, उस दो कौड़ी के वॉचमैन को पैसे दिए और दूध लाने को कहा? वो मतलब आपको नहाने के बाद चाय लगती है तो मैंने सोचा कि मैं उसको जाके दूध लाने के लिए बोल दूं। मतलब मैं पल्लू लेके नीचे गई थी। चुप एकदम चुप। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, और तुझे बहुत हवस है ना अपना सौंदर्य पूरी दुनिया को दिखाने का? हाँ गई मुंह ऊपर करके। तुझे कितनी बार कहा था मैंने घर से बाहर नहीं जाना, बताया था ना? हाँ। फिर क्यों गई? आप नहा रहे थे तो आपको नहाने के बाद चाय लगती है तो इसलिए मैं नीचे गई थी। बिना दूध की चाय पी लेता मैं आज, तुम्हें बताया था ना नीचे नहीं जाना, फिर क्यों गई? दर्द हो रहा है ना। ऑफिस जा रहा हूँ मैं। सुनिए नाश्ता तो करते जाइए। घर में बैठ गए तू ही खा। घर में तो ठीक से बैठ, नहीं तो पूरा मोहल्ला घूम के आएगी। तुम्हें बताया था ना मैंने ये शहर है, यहाँ ठीक से रहना, बाहर नहीं जाना, ये तुम्हारा गांव नहीं। दर्द हो रहा है। अब तो ठीक से रहे और तू ही खा नाश्ता। अरे ये सदस्य कहा गया, एक जगह पे ये बैठता ही नहीं। सदाशिव काम पे ध्यान ही नहीं है इसका, लगता है पगार ज्यादा हो रही है इसे।
यहाँ पे ही था तो सुना क्यों नहीं? ओ साहब मैं वहां जरा पीछे था और फिर वो कॉक बंद कर आया ना। तू वहां पे क्या कर रहा था? मैं क्या, मैं वो उधर पानी का कॉक बंद कर रहा था। पक्का पानी का कॉक ही बंद कर रहा था ना? हाँ साहब जी, पेड़ को पानी दे रहा था मैं वहां पे। अब आपने आवाज दी तो मैं आ गया जल्दी। ऐसा ही ध्यान देना। हाँ फिर बिल्डिंग पे ध्यान देना ही मेरा काम है ना। आसपास ध्यान देना। हाँ और खास करके 3 नंबर फ्लैट पे ध्यान देना। 3 नंबर फ्लैट मतलब किसका घर? अरे मतलब मेरा घर। हाँ पर आपका मतलब मुझे कुछ समझा नहीं साहब। मतलब तुम्हारे भाभी पे ध्यान देना, समझा? हाँ मतलब वो कहाँ जाती है, किसको मिलती है, सब पे ध्यान देना। समझ में आया ना? हाँ साहब, लेकिन आपके फ्लैट पे, आपके बीवी पे इसे स्पेशल नजर रख के और आपको सब बता के मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे ऐसे बहुत सारे नोट मिलेंगे, सिर्फ तुझे प्रॉपर ध्यान देना होगा। हाँ देता हूँ ना साहब। चल काम पे लग जा। हाँ पर साहब एडवांस तो देना पड़ेगा ना थोड़ा फार। एडवांस? सुन तुम प्रॉपर ध्यान दे, हर रोज तुझे ऐसे ही नोट मिलेंगे, समझा? हाँ तो फिर आज के दे दो ना नोट। ए ले काम पे लग, पैसे ले रहा है। हाँ लेकिन साहब मुझे एक पूछना है, बीवी पे शक करना अच्छा नहीं होता ना, मतलब वो? अरे वैसी बात नहीं है, वो शहर में नहीं है इसलिए तू थोड़ा ध्यान दे। हाँ वो भी सही है, लेकिन साहब मैं क्या कहता हूँ, आप वो बीवी पे इतना शक करते हो, इतनी बीवी पे नजर रखते हो, तो इससे पहले उनका कुछ लफड़ा वगैरह था क्या? ए कुछ भी क्या बक रहा है, हाँ ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुझे कुछ भी लगेगा, जा अपना काम कर। लेकिन साहब कुछ भी कहो, पता का है आपकी बीवी एकदम झक्कास। चल चल लग काम पे। आया बड़ा जा बे, मुझे पैसों से मतलब है और दूसरा क्या, औरतों को देखते रहने का। मैं आया। आप? अरे तूने ये क्या पहना है? आपकी नाइट पैंट और टी शर्ट है। किसने कहा है ये पहनने को? घर की साफ सफाई करनी थी इसीलिए पहना था, बाद में धो के वापस रख दूंगी। साड़ी पहन के तुम्हें साफ सफाई करने नहीं आती? नहीं आता मुझे। मेरी जगह पे दूसरा ही कोई आया होता तो ऐसे ही जाने वाली थी क्या? देखिए आपको घर की साफ सफाई भी चाहिए, प्लस मैं साड़ी भी पहनूं, अगर ऐसे ही रहा ना तो मुझसे तो नहीं होगा। काम कीजिए आप, काम वाली बाई देखिए। अरे कामवाली का आइडिया तो बहुत अच्छा है, कामवाली रखी तो दो काम होंगे, काम भी होगा और इस पे नजर भी रहेगी और मुझे इसकी हर मिनट की खबर रहेगी। ठीक है अब कामवाली रखता ही हूँ। हो गया तो लाइट बंद कीजिए और सो जाइए। ए स्वीटहार्ट, नाराज हो क्या? मैं क्यों नाराज रहूं? पहले नाराज करना बाद में पूछना। अरे ऐसा नहीं है, ये शहर के लोग अच्छे नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तकलीफ हुई तो हम प्रॉब्लम में नहीं आने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। बस हो गया, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। सुनिए चाय। अरे वाह,
आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप रोज ही लेट करते हो, आज जल्दी आ जाएंगे? हाँ आता हूँ। चाय अच्छी बनी है। थैंक यू। हे, कहाँ जा रही है? अब बेल बजी ना। मैं हूँ ना यहाँ पे। तुझे कितनी बार कहा है दरवाजा खोलने, तू मत जाना। हाँ पर बेल। मैं हूँ ना यहाँ, मुझे बता ना। जा किचन में जा, जा जल्दी, और यहाँ फिर मत आना। अरे यार महेश, कितनी देर लगाई दरवाजा खोलने में? अरे भाभी जी कहाँ पे? भाभी जी से मिलने आया हूँ मैं। अरे अरे तूने शादी की और मुझे बताया तक नहीं। तुझे किसने बताया मैंने शादी की? अरे मुझे क्या, अपने पूरे स्टाफ को पता चल गया कि तूने शादी की है। अरे हम दोनों तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं और तूने मुझे इनविटेशन तक नहीं दिया। भाभी जी कहाँ है? भाभी जी, ओ भाभी जी। सुन तू बैठ यहाँ पे, तू बैठ, सब जल्दी जल्दी में हुआ, तू बैठ यहाँ पे। क्या यार मुझे बैठने को कह रहा है? मैं भाभी जी से मिलने आया हूँ। कहाँ है भाभी जी? भाभी जी, अरे भाभी जी मैं बुलाता हूँ उसे, तू बैठ। हाँ बैठता, तू बैठ, मैं सविता को बुलाता हूँ। सविता, कितना अच्छा नाम है भाभी जी का। सविता, नाम ही इतना सुंदर है तो भाभी जी कितनी सुंदर होगी। तू रुक, मैं बुलाता हूँ। भाभी जी, अरे अरे ओ भाभी जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अरे बुला ना जल्दी, बुला ना। हाँ मैं बुलाता हूँ, तू बैठ ना। हाँ बुला बुला, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। भाभी जी आने वाली है। सविता। हाँ? मेरे ऑफिस का दोस्त आया है। मैं क्या करूँ? सुन, वो तुझसे मिलना चाहता है। मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ, वो बड़ा कमीना और बेशरम है, उसके सब धंधे मैं जानता हूँ। सुन, उसके सामने पल्लू लेके आना। एक काम करती हूँ, उससे अच्छा मैं आती नहीं। ए ज्यादा बोल मत, मैं जितना कहता हूँ उतना कर। सुन, उसके लिए चाय बना और लेके आ, और हाँ मैं जब बुलाऊ तभी आना। आई क्या भाभी जी? आ रही है सविता, आ रही है। अच्छा सुन, हाँ तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अरे शादी के लिए मुझे कोई अच्छी लड़की मिली नहीं ना। अरे तेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं? तेरे रिश्तेदार क्या मर गए क्या? हाँ वो छोड़, आज चाय मुझे मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली? मिलेगी, सविता बना रही होगी। अच्छा अरे बुला ना जल्दी। सविता जल्दी आओ। सुन तेरा काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है। अरे बुला ना जल्दी। अरे आ रही है, हम थोड़े गप्पे लड़ाते हैं। हाँ चलेगा चलेगा। अरे सुबह से चाय नहीं पी, आज मिलेगी कि नहीं चाय मुझे? अरे आ रही है सविता। ए सविता। अरे घूंघट क्यों लिया है? अरे अरे चाय आई है, चाय पी। हाँ आराम से पी। हाँ पीता हूँ पीता हूँ। सविता मुझे ऑफिस जाना है, टिफिन रेडी कर, जा तू। अरे यार चाय पीना। हाँ पीता हूँ ना। अरे यार महेश, हाँ मुझे एक बात बता, भाभी जी ने घूंघट क्यों लिया था? अरे वो हमारे घर की परंपरा है। अरे हमारे घर की महिलाएं पराए पुरुष के सामने बिना पल्लू लिए नहीं जाती। अरे क्या यार तू, हाँ अभी तक तू पुरानी परंपरा मानता है? अरे दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है और तू पुरानी परंपरा पे अटका हुआ है? हे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे पता है दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई है, लेकिन वो गांव से है, भोली भाली है। अरे वो सब जान दे, तू भाभी जी को अच्छे से मुंबई घुमा लिया, मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव वगैरह बीच बीच सब घुमा के लिया। हाँ अरे तेरे भाभी को मुंबई वुम्बई सब घुमा के लाता हूँ। अच्छा सुन, चाय कैसी बनी थी? चाय चाय एक नंबर, मस्त टेस्टी एकदम कड़क। अरे बस बस कितनी तारीफ करेगा। अरे उतनी अच्छी बनी थी ना। अच्छा सुन, बहुत देर हो चुकी है, मुझे भी ऑफिस के लिए जाना है और तुझे भी जाना है। ठीक है चलेगा। तू आगे जा, मैं आता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ, तू भी जल्दी आ ऑफिस को। हाँ ठीक है ठीक है। सदाशिव सदाशिव, अरे सदाशिव, अरे यार ये अभी कहाँ गया? बोलो ना साहब। अरे तुझे कितनी बार कहा है ऐसे पीछे से मत आया कर। वो जाने दो, आपने मुझे फोन किया था, कुछ काम था क्या? अच्छा सुन,
तू सोसाइटी के हर घर में जाता है ना? हाँ। आज किसी भी हालत में महेश की बीवी का चेहरा देखकर ही रहूंगा। मुझे ऐसी काम वाली चाहिए जो पूरा दिन घर पे रहेगी और घर का सारा काम करेगी। दिन भर घर में? पर साहब, वो काम वाली औरतें तो थोड़ा बहुत काम करती है और फिर चली जाती है। अब दिन भर घर में रहने वाली बोले तो उसे तो ढूंढना पड़ेगा ना साहब। अच्छा, तो ये बात है। तू ढूंढ और मुझे कॉल कर। ठीक है साहब। लेकिन साहब, वो काम वाली आपके घर के काम के लिए चाहिए या आपके पर्सनल काम के लिए चाहिए? अरे तू हमेशा आगे का क्यों बोलता है? तुझे जितना कहा है उतना कर। हाँ साहब। और मुझे बता। हाँ। हेलो हेलो हेलो, बैठ गया, अच्छा लग रहा है। इस वक्त कौन होगा? ये तो ऑफिस गए। कौन आया होगा क्या पता? देवर जी, आप यहां? महेश तो ऑफिस चले गए, फिर आप यहाँ क्या कर रहे? अरे भाभी जी, मुझे पता है महेश ऑफिस गया है, तभी तो मैं आया हूँ। पर इस समय आप यहाँ? देखिए ना, कितने प्यार से मैं आपके लिए बुके लाया हूँ, लीजिए ना। अरे लीजिए ना। शुक्रिया भाभी जी। असल में मैं आपके हाथ की चाय पीने आया हूँ। पिछली बार जब मैं आपके घर आया था ना, तब आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। एक कप चाय मिलेगी? हाँ, लाती हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए, मैं लाती हूँ। थैंक यू भाभी जी। हाँ? इतना खूबसूरत चेहरा घूंघट ओढ़ने के लिए नहीं है। ये चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है। देवर जी, हाथ छोड़िए ना। कितनी सुंदर दिखती है आप। एक्चुअली मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया था, मुझे आपसे बात करनी है, इसी के लिए आया हूँ। हम यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं क्या? सिर्फ दो मिनट? दो मिनट? हाँ ठीक है। ओके, आइए बैठिए ना। हाँ। फूल बहुत अच्छे। आपके जितने नहीं। देवर जी, इनका वीडियो कॉल आया है। देवर जी, इनका वीडियो कॉल आया है। तो उठाइए ना फिर। आपके होते हुए मैं कैसे कॉल ले लूँ? आप जाइए ना, मुझे फोन उठाना है, आप जाइए ना, नहीं तो। भाभी जी सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं नहीं, आप जाइए ना। हमारी मुलाकात हर रोज होगी। हाँ होगी होगी, लेकिन आप अभी जाइए ना। हाँ हाँ, जाता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं वॉशरूम में थी ना, इसलिए देर हो गई। फाइल बेड पर? रुको दिखाती हूँ। यहाँ पे तो कोई भी फाइल नहीं है।
हाँ ठीक है, चलिए बाय। हाँ माँ बोलो ना, कैसे हो तुम? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पापा कैसे? और छोटी? हाँ यहाँ भी हम सब लोग ठीक है। हाँ वो सुबह ही ऑफिस चले गए। हाँ सब अच्छा ही चल रहा है। नहीं करती? हाँ मैं सब सुनती हूँ। ठीक है। ए रुक जा। कौन है तू? इसके पहले तो कभी नहीं देखा तुझे। रेखा पहले कभी नहीं ना देखा। वो क्या है ना, सामने वाली बिल्डिंग में कुछ काम मिलता है क्या, वो देखने आई थी। उतनी मेरी मदद हो जाएगी और साथ में तेरा भला भी हो जाएगा। मेरा क्या भला होगा आ? अब वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? तू भी तो थोड़ा बहुत समझ ले। अच्छा अच्छा है ना, काम है ना? सच में? हाँ यहाँ हमारी सोसाइटी में ही काम है, लेकिन उनका कैसा है ना, उन्हें दिन भर घर में रहने वाली कामोली चाहिए। दिन भर? हाँ हाँ चलेगा ना, मैं दिन भर काम करूंगी। हाँ चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। और मेरा क्या? और तेरा विशेष ख्याल रखूंगी मैं। चल हट पगले, चल ना, दिखा ना मुझे वो घर। चल ना। चल चल चल। हाँ हाँ चल। पूरे घर में सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई है, जहां पे देखो उनकी फाइल, उनकी टैबलेट, उनकी वॉच, उनका चार्जर, सब मुझे ही देखना पड़ता है। और वो आने के बाद ये मत करो, ऐसा मत करो, घूंघट लो, वैसा रहो, ऐसा रहो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ।
नौकरानी बना के रखा है इस घर में मुझे। इस समय कौन आया? कोई भी हो, लगभग इस दरवाजे से तो हमेशा वॉचमैन ही आते हैं। देखती हूँ पहले जाके कौन आया है, नहीं तो वो भी हो सकते आए होंगे चेक करने कि मेरी बीवी घर के अंदर कैसी रहती है। नमस्ते मैडम जी। हाँ नमस्ते। वो साहब ने मुझे काम वाले ढूंढने के लिए कहा था आपके घर के लिए। नौकरानी, आपको बहुत तकलीफ होती है ना काम की? हाँ। अब क्या बताओ मैडम जी आपको, कितना मैंने तकलीफ उठाया, यहाँ वहाँ घुमा 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 फिर जाके काम वाली मिली है। आपके साथ आई है क्या वो? हाँ आई है ना, आओ यहाँ। कहाँ है? आपको तकलीफ होती है काम की इसलिए मैंने ये सब कुछ मेहनत की, नहीं तो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। तो जा अब, मैं तुझे शाम को जाते वक्त मिलूंगी। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। पक्का मिलो। हाँ हाँ मिलूंगी ना। मैडम जी आता हूँ मैं। हाँ हाँ आइए आप। कुछ काम है तो बताओ मुझे। हाँ बता। मैं हूँ ना। बेझिझक बताओ बेझिझक। हाँ मैं हूँ। आता हूँ मैडम। हाँ मैं हूँ यहाँ। तुम आओ ना अंदर। हाँ आती हूँ ना। नाम क्या है तुम्हारा? रेखा। रेखा बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, हमारे गांव में हमारे पिताजी अखाड़े में पहलवान थे। हाँ और मुझे भी ऐसी कुश्तियाँ खेलनी आती है। अरे क्या कर रही हो तुम? कुश्ती खेल कर दिखाती हूँ ना मैं आपको। नहीं नहीं ठीक है। बॉडी देखो बॉडी मेरी। अच्छे से दूध और मक्खन खाती थी और मेरे पिताजी ने मुझे केले का रतीब लगाया था। और आपको भी सिखाऊं क्या मैं? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तुम्हें घर का सब काम आता है ना? हाँ मुझे सब काम आते हैं। तो ठीक है मेरे साथ किचन में चलो, मैं सारा काम बताती हूँ तुझे। हाँ चलेगा ना भाभी जी। हाँ आप ना बहुत सुंदर दिखती हो। चलो अब। हाँ आती हूँ। आ इधर। हाँ आई। एक काम कर, मैं सब्जी बनाती हूँ तब तक तू बर्तन मांज। हाँ चलेगा ना। लीजिए। हाँ अरे भाभी जी आप रहने दीजिए ना, मैं निकलती हूँ ना। हाँ निकलती हूँ। हाँ हाँ अरे अरे भाभी जी आप क्यों तकलीफ उठा रही हो? हाँ मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना उस ककड़े का सब कुछ। आप क्यों अपने हाथों को तकलीफ दे रहे हैं? हाँ आपके कितने मुलायम मुलायम हाथ हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अरे आप बहुत खूबसूरत दिखती है, हमारे यहाँ आपकी जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। और ये देखो हमारा थोबड़ा कितना काला है। अरे आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, काम करने के लिए मैं हूँ ना, मैं आई हूँ ना। हाँ आप तकलीफ मत लीजिए, क्या क्या काम करना है सिर्फ मुझे बताइए, मैं करती हूँ ना काम झटपट झटपट। हाँ मैंने बताया ना आपको, आप अपने नाजुक नाजुक और इस मुलायम मुलायम हाथ से काम मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये देखो तुम इतनी चिपक के क्यों बात कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें नहीं चाहिए नौकरानी, तुम जाओ यहाँ से।
कौन हो तुम? पहचाना नहीं भाभी जी? देवर जी आप? और ऐसे कपड़ों में? हाँ मैं। अब आपसे मिलना था तो इसी भेस में आया। कहा था ना हर रोज मिलूंगा। पर नीचे वॉचमैन और लोग, उन्होंने आपको ऐसे कपड़ों में देखा तो? अब भाभी आपने नहीं पहचाना तो वॉचमैन कैसे पहचानेगा? उनका उनका वीडियो कॉल आ गया। नहीं आप जाइए यहाँ से। नहीं अभी उनको डाउट आ जाएगा। नहीं वो वापस मुझे पूरा घर दिखाने के लिए बोलेंगे। नहीं आप जाइए। मैं कुछ तो बोलूंगी। आप शांत हो जाइए भाभी जी। शांत हो जाइए। मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, अब फिर से कॉल आया ना तो उठाइए और मुझे दीजिए, ठीक है ना? आ गया, उठाइए। नहीं, काम वाली बाई आई है ना अपने यहाँ? हाँ, तो उसको ही दिखा रही थी किचन। नमस्ते साहब जी। हाँ, मैं सुबह ही आई। मैडम से हुई बात? मैं सुबह 9 बजे आऊँगी और शाम को 6 बजे चले जाऊँगी। हाँ, और पहले ही कह देती हूँ, महीने के 10,000 रुपये। हाँ, अरे नहीं, 10,000 रुपये। हाँ, अरे इस महंगाई के ज़माने में इतना सस्ता काम कौन करता है? हाँ ठीक है, आपका नहीं मेरा नहीं, 8,000 फिक्स। हाँ फिक्स मैडम, फिक्स ना? हाँ, ठीक है, मैं कल से सुबह 9 बजे आऊँगी। हाँ, और आज शाम 6 बजे जाऊँगी। ठीक है साहब जी। हाँ नहीं, वो मैंने सब समझा है उसे, कैसे क्या करना है वो। हाँ ठीक है, आइए फिर आप। ओके बाय। ये देख, कहा था ना मैंने, वो भी नहीं पहचान पाया। तो तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हारे बालों की खुशबू हमेशा मेरे मन में खिलती रहती है। Thank you.
सविता नाश्ता जल्दी लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ आई, ये लीजिए। अरे वाह, आज इतनी जल्दी नाश्ता? हाँ। आज बहुत खुश लग रही हो तुम। वो छोड़िए, आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? अरे वो मेरा दोस्त है ना, उस दिन तुमसे मिलने आया था रवीन। हाँ? उसने 10-15 दिन की छुट्टी निकाली है, इसलिए बॉस ने सब काम मुझे दिया है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा। फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सविता, नाश्ता अच्छा हुआ है। थैंक यू। सविता, काम वाली 9 बजे आने वाली थी, अब 9:30 बजे अभी तक नहीं आई। वो आती होगी। वो आ गई। ए, कहाँ? दरवाजा खोल रही हूँ। मैं हूँ ना यहाँ पे। अरे इस वक्त नौकरानी होगी, आप नाश्ता कीजिए आराम से, मैं दरवाजा खोलती हूँ। नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ साहब, नमस्ते। ये क्या है, 9 बजे बोली थी, अब 9:30 बज चुके हैं। साहब, पगार तय करते समय मैं 10,000 बोली थी कि नहीं, और आपने 8,000 तय किया, तो 2,000 माइनस हुए ना, और उसमें से मैं ऑटो से आने वाली थी। भाई भाई भाई, अब बस से आना पड़ता है, और वहाँ पे 25 नंबर की बस, भाई 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 भाई, बहुत लेट करती है, इसकी वजह से लेट होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कल से टाइम पे आ जाना। हाँ साहब। और घर के सब काम परफेक्ट करना। ओ, सब काम करती हूँ मैं। हाँ अच्छा सुन, मेरा एक काम है, करेगी ना? काम? बताइए ना साहब, क्या काम करना है? ए, वैसा काम नहीं, रुक, तुझे मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है ठीक है, घर का काम कर। हाँ हाँ, सब काम करती हूँ साहब, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। बाय सविता। बाय। अपना ख्याल रख। हाँ हाँ, आराम से आइए। मान गई तुम्हें। मान गई ना? क्या हुआ सविता? हम महेश को धोखा दे रहे। मैं पत्नी हूँ उसकी, और तुम दोस्त। हम ये गलत कर रहे। तुम पत्नी, मैं दोस्त। मुझे एक बात बताओ, महेश ने कभी तुम्हें सुख दिया है? हाँ, इन 4 दीवारों के बाहर कभी जाने दे उसने तुम्हें? हमेशा इस रूम में बंद करके रखा है तुम्हें,
ना किससे बात करने देता है, ना किससे मिलने देता है। हाँ और रहा सवाल हमारी दोस्ती का, वो ना एक नंबर का सेल्फिश है। काम के वक्त मीठी बातें करता है और बाकी के वक्त भूल जाता है। पर सविता मैं सच कहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे सुख दुख में साथ दूंगा और तुम्हारी कौन सी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। और कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वाला बदल जाता है। ये देखो मैं तुमसे मिलने के लिए साड़ी पहन के आया हूं। महेश कर सकता है क्या तुम्हारे लिए इतना सब कुछ? हाँ बताओ तुम। ये देखो, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। तुम टेंशन मत लो। आओ ना गले लगाओ ना, ओ जाने जा ला 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 ला। ए रेखा रुक, क्यों रे? कल शाम से मुझे तू दिखी नहीं, कहाँ गई थी? तू मुझे कल शाम से नहीं दिखा, मैंने तेरी खुर्ची पर देखा लेकिन वहां भी नहीं था तू। और कल दिन भर काम कर करके मैं थक गई थी, इसलिए मैं जरा घर गई थी। अच्छा वो जाने दो। ये देख, आज शाम को जाते समय ना मैं तेरी राह देखूंगा। हाँ और जाएगी तो मुझे मिलकर ही जाना। हाँ पक्का ना? हाँ देखा, अब क्या बताऊँ तुझे, दिन भर ड्यूटी करके मैं थक जाता हूँ। गाड़ी पूछना, पानी मारना, झाड़ू लगाना, क्या क्या करना पड़ता है मुझे। लेकिन तू आने के बाद अच्छा लगता है मुझे। इधर आ। हाँ? हाथ दे तेरा। हाथ हाथ दो। देना, मैं शाम को जाते समय ना तुम्हारा ये जो पूरी थकान है ना वो सब मिटा के जाऊंगी। पूरी थकान मिटाओगी? पूरा। अब सिर्फ हाथों की थकान निकल चुकी है। हाँ। पूरे बदन की थकान निकालोगी ना? हाँ दूर करूंगी। तो अब मैं चलूं? शाम को पक्का आना। हाँ हाँ पक्का पक्का, जाती हुआ मैं। हाँ वाह 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 वाह, शाम को पूरे बदन का थकवान निकालने वाली है। इस पर नजर रखनी होगी, नहीं तो आज भी निकल जाएगी ये। आज दिन भर इस पे नजर ही रखता हूँ, घर पे जाके भी एक बार देख लूंगा। आओ ना गले लगाओ ना, ओ जाने जा। आओ ना गले लगाओ ना। सदाशिव, सविता, मुझे लगता है सदाशिव ने हमें देख लिया। क्या? हाँ तुम इधर ही रुको, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। अभी क्या, अभी महेश्वर को सब सच्चाई बता देता हूं मैं। लेकिन महेश साहब को ये सब कुछ बता के मुझे क्या मिलेगा? वो तो मुझे पैसे दे रहे हैं, पर इस वीडियो की मदद से मैंने अगर मैडम को ब्लैकमेल कर दिया तो मैडम मुझे जो मांगू वो दे देगी। मैडम
मैडम। ऐसे अचानक सामने क्यों आते हो सदाशिव? मुझे ये समझ में आ गया है कि अचानक सामने आ जाने से बहुत सी चीजें समझ आ जाती हैं। बहुत सी चीजों का पर्दाफाश हो जाता है ना मैडम? क्या कह रहे हैं आप? क्या चाहता है तुम? हे भगवान, अब कुछ भी फायदा नहीं है इसे नौटंकी करने का। तुम्हारी सब नौटंकी मेरे सामने खुल गई ना। अब तुमने जो महाभारत रचा था उसका पूरा प्लान फेल हो गया, सत्यानाश हो गया। तुमने जो भी कांड किया है ना, वो सब इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैंने मेरे हाथों से इस मोबाइल में रिकॉर्ड किया है तुमने उस बेड पे क्या किया है। लेकिन हाँ, प्लान एक नंबर था, एक नंबर रूप बदल के महेश बाबू को फंसाने का प्लान। और तू क्या है छिनाल, बाहर तो ऐसे पल्लू लेके घूमने का नाटक करती है, पति के सामने गरीब गाय जैसे रहने की नौटंकी करती है, और यहाँ पे क्या गुलशरे उड़ा रही है। और तुझे लफड़े करने ही थे तो ऐसा ही मिला क्या तुझे? हम थे ना, हमारे साथ लफड़ा करती तो तुझे सब कुछ पता चल ही गया है। अच्छे से। लेकिन एक बात याद रखना, ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा तुझे, मगर ये बात महेश को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। पैसे तू मुझे देगा? क्या बकता है बे तू, पैसे तो मुझे महेश बाबू देते हैं, इस घर पे नजर रखने के लिए, स्पेशल मैडम पे नजर रखने के लिए। अरे, ये तो मैंने सब कुछ महेश सर को बताना चाहिए। महेश साहब जी, देखो आपकी बीवी क्या क्या कांड करती है। हाँ भैया, भैया आप इनको कुछ मत बताना, इनको इनको अगर कुछ पता चला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं भैया, इनको कुछ मत बताना, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ। भैया, अब मैं भैया बन गया क्या? वाह रे वाह, वाह वाह वाह, खुद पे बीती तो मुझे भैया बना दिया। अच्छा वो जाने दो, मैं यहाँ पे जो भी कुछ हुआ किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे भाभी जी की तरफ से पैसों के अलावा और कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुझे? भाभी जी जब से यहाँ पे आई है ना, तब से मेरे दिल में बस गई है यार। मेरा दिल ऐसे मैडम के प्यार में फंस गया है, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। कब एक बार मैडम के साथ बिस्तर में हम बिस्तर हो जाऊंगा, ऐसा हुआ है मुझे। मैडम के हाथ की खुशबू ली थी, अभी भी भूला नहीं वो खुशबू। मैडम के साथ मजे लेने हैं, सिर्फ एक रात, पूरा हिसाब निकाल दूंगा मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ए, छोड़, तेरे पास ये सबूत है इसलिए बोल रहा है। छोड़ दे। सविता जल्दी से वीडियो डिलीट कर दो। तू ऐसे नहीं सुनेगा। छोड़ दे मुझे। बहुत बोलता है, छोड़ मुझे। बहुत बोलता है। रुक, मैं दिखाता हूँ तुझे। ए, छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मेरे पास वीडियो है, अगर ये महेश सर को दिखाया ना तो तेरी पुंगी बजा दूंगा। अरे सविता, ये क्या किया तुमने? वो तुझे मार रहा था तो मैंने। अरे क्या कर दिया, देखो उसका खून निकल आया। शिवा, शिवा,
क्या हुआ? अरे ये तो मर गया। अरे सविता क्या किया तूने? मैंने 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 सच में कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुझे बचा रही थी। वो तुझे मार रहा था इसलिए। सविता तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम एक काम करो, तुम पहले जाके दरवाजा बंद करो, जल्दी से बंद करो दरवाजा, जाओ जल्दी जाओ। अरे यार अरे तुम्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहा है, खोलने नहीं कहा, बंद करो। सविता मैं आ गया। ये क्या है? खून? सदाशिव, सदाशिव, तू प्रवीण, तू क्या कर रहा है मेरे घर पे? अरे यार महेश मेरी बात सुन, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मैंने इसको ना मारा, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ फिर किसने मारा? हाँ तुम्हारी बीवी ने मारा है उसे। मैंने कहा मारा है उसे? मैं तो तुम्हें बचा रही थी। मतलब तुमने इससे सदाशिव को मारा? अरे तूने क्यों हाथ में पकड़ा उसे? अरे तेरे बीवी के उंगलियों के निशान थे उस पर, अब तेरे उंगलियों के निशान आ गए ना। मेरी पत्नी है वो, अब मुझे ही उसे बचाना पड़ेगा ना। तू जा मेरे घर से, तू जा, मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ जा। हाँ जाता हूँ। सदाशिव, सविता, हाँ? तुम्हारे पति ने पूरा इल्जाम अपने सर पे लिया है, हम एक काम करते हैं, हम भाग जाते हैं। हाँ चल जल्दी चल भाग जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको रुको,